चलो दोस्तों, हम शुरू करते हैं करवा चौथ की व्रत कथा। एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। साहूकार के बेटे अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे। साहूकारनी के साथ उसकी बहुएं और बेटी ने चौथ का व्रत रखा था। चौथ का व्रत में चांद देखकर ही व्रत खोलते हैं। रात को जब साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन के लिए कहा। इस पर बहन ने बताया कि उसका आज व्रत है और वह खाना चंद्रमा को अर्घ देकर ही व्रत खोल सकती है और कुछ खा सकती है। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं गई और वह दूर पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलनी की ओट में रख देता है। दूर से बहन को दिखाता है, चलनी की ओट में रखा दीपक चांद की तरह लगता है। ऐसे में वो ऐसा लगता है जैसे चतुर्थी का चांद हो। बहन ने अपनी भाभी से भी कहा कि चंद्रमा निकल आया है और व्रत खोल ले, लेकिन भाभियों ने उसकी बात नहीं मानी और व्रत नहीं खोला। बहन को अपने भाइयों की चतुराई समझ में नहीं आई और उसे देखकर करवा उसे अर्घ देकर खाने का निवाला खा लिया। जैसे भी वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है उसे छींक आ जाती है। दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकल आता है और तीसरा टुकड़ा मुंह में डालते ही तभी उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वह बेहद दुखी हो जाती है। उसकी भाभी सच्चाई बताती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण माता उससे नाराज हो गए हैं। इस पर वह निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं करेगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवन दिलाकर रहेगी। शोकातुर होकर वह अपने पति के शव को लेकर 1 वर्ष तक बैठी रही और उसके ऊपर उगने वाली घास को इकट्ठा करती रही। उसने पूरे साल की चतुर्थी को व्रत किया और अगले साल कार्तिक कृष्ण चतुर्थी फिर से आने पर उसने पूरे विधि विधान से करवा चौथ व्रत किया। शाम को सुहागिनों ने से अनुरोध करती है कि यम सुई ले लो, पिय सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो, जिसके फलस्वरूप करवा माता और गणेश जी के आशीर्वाद से उसका पति पुनर्जीवित हो गया। जैसे गणपति और करवा माता ने उसकी सुनी वैसे सभी की सुने, सभी का सुहाग अमर रहे। जय करवा चौथ माता।